राधे राधे, सब्सक्राइब कीजिए फुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हाजी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कान्हाजी की ज्वेलरी बनाना सिखाऊंगी। आजकल मैं लेस के ऊपर जब तरह तरह की लेस से मैंने ड्रेस बनाई है, उसी तरह मैं एक लेस से जो है कान्हाजी की ज्वेलरी बनाना आपको सिखाऊंगी, जो कि आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बना सकते हो। इसमें हर तरह की ज्वेलरी आप बना सकते हो और ये इसमें जो है आप छोटे से कान्हा से लेके बड़े कान्हाजी के लिए हर एक नंबर से आप कान्हाजी की जो है ज्वेलरी बड़ी या छोटी बना सकते हो। ये है हमारे पास लेस ही है, ये भी देखिए ये जरकन वाली लेस है। ये इस तरीके से लाइनों में आती है, आप कितनी भी चौड़ी अपने कान्हाजी के हिसाब से आधा मीटर एक मीटर जितनी भी आपको लेस की ज़रूरत है आप मार्केट से खरीद सकते हैं। ये लेस की दुकान पे आसानी से मिल जाती है। ये देखिए मैंने दो लाइनों वाली, यानी कि ऐसी मेरे पास चार लाइनें थी जिसमें कि मैंने इसको दो दो अलग कर दिया है, और आप इसको इस तरीके से बीच में से कटिंग करके सिंगल भी बना सकते हो। तो इससे ज्वेलरी बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि मेरे कान्हाजी तो बहुत ही छोटे हैं, इसलिए मैं उनकी ज्वेलरी जो है मार्केट में मिलती ही नहीं है, जीरो नंबर कान्हाजी के कंगन मिलते ही नहीं हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से अगर आपके कान्हाजी को आप बिल्कुल परफेक्ट ज्वेलरी बनाना चाहते हैं बिल्कुल साइज़ की, तो आप इस तरीके से देखिए कितने सुंदर है पूरा। आपको ये देखिए ज्वेलरी की तरह ये लेस है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और कान्हाजी और राधा जी जैसे भी आप किसी भी देवी देवता की इससे ज्वेलरी बना सकते हैं, मुकुट बना सकते हैं, कंगन बना सकते हैं, पायल बना सकते हैं, तगड़ी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी बनानी है तो आप गन ग्लू इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से आप ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू होती है, इससे भी ज्वेलरी बहुत अच्छी बनती है। उसकी सबसे बढ़िया बात होती है इसको चिपकाने के बाद अगर आप जितना भी ज़्यादा इस ग्लू इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो इससे जो है वो दिखाई नहीं देती सूखने के बाद, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। आज के कंगन बनाना आपको सिखाएंगे। तो कंगन बनाने के लिए आपको ये कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने कान्हाजी का नाप लेना है, इस तरीके से गोलाई लेनी है, और आप किसी भी गोली वाली चीज़ पर इस तरीके से जैसे जितने भी बड़े आपके कान्हाजी हैं इस तरह से आपको चिपकाना है, और इस तरीके से आपके कंगन बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये आप जैसे मैंने बताया चौड़े कम चौड़े आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बनाने के लिए हमने इस तरीके से एक बुकरम की पतली सी पट्टी ले ली है, तो जितने आपको चौड़े जो है कंगन बनाने हैं उसी हिसाब से आप ये चौड़ाई ले लीजिए। जैसे ये देखिए हमारी ज़्यादा चौड़ी है, तो हमें सिर्फ दो लाइनों की कंगन बनानी है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। तो इस तरीके से हम एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे, या फिर हम इसको जो है चिपकाने के बाद भी जो है काट सकते हैं। तो ये हम जो कंगन हमें जितने बनाने हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमने गोलाई ले ली है, तो ये पट्टी हमारी एक के ऊपर एक थोड़ी चिपकनी चाहिए इस तरीके से, और उसके बाद हम जो है अपनी लेस को चारों तरफ चिपकाएंगे। हम जो अपने कान्हाजी के लिए बना रहे हैं कंगन, तो ये बहुत छोटे साइज के हम बनाने वाले हैं, क्योंकि बड़े कंगन मिल जाते हैं बाजार में, छोटे ही नहीं मिलते, यानी कि हमारे एक नंबर कान्हाजी के लिए। तो हमने ये स्केच पेन ले लिया है, इसके ऊपर हम इस तरीके से अपनी बुकरम को ऐसे सेट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर ग्लू लगा के बाकी हम एक्स्ट्रा काट देंगे। तो कंगन हम छोटे बनाएंगे और बाकी भी ज्वेलरी हम बनाएंगे, तो आप इसी तरीके से जितने मोटे बड़े कंगन बनाने हैं अपना जो है साइज इस हिसाब से ले लीजिए, नहीं तो अपनी उंगली के हिसाब से कान्हाजी के हाथ के हिसाब से आप इस तरीके से चिपका लीजिए, लगा के इसको इस तरीके से ऐसे आपस में चिपका लिया है। ये देखिए थोड़ा चिपकने सूखने पर टाइम लग गया, तो ये देखिए दो कंगन के लिए हमने इस तरीके से अपने पेन के ऊपर बुकरम को चिपका दिया है। इसके बाद हम लेस लेंगे, और जितनी हमारी लेस लगेगी इस पर भी हम ग्लू लगाकर इस लेस को इस बुकरम के चारों तरफ ऐसे चिपकाकर यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये देख लेंगे हम इस तरीके से, जैसे हमारी ये देखिए ऐसे हमने नाप लिया, और यहाँ से हम इस तरीके से इसको काट देंगे, देखिए, और इस तरह ऐसे हम चिपका देंगे जिससे हमारे कंगन सूखने के बाद हम इसको पैन में से निकाल देंगे। तो ये सिंपल हम ग्लू लगाएंगे यही वाली इस तरीके से, देखिए इसी को हम ऐसे फैला लेंगे बुकरम के चारों तरफ, और इसको ऐसे चिपकाते हुए हम देखिए ऐसे ले जाएंगे।
तो ये दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे दोनों कंगन हम लगा देंगे। जैसे हमने ग्लू से चिपकाया तो एकदम नहीं चिपकेगा, या तो आप ऐसे इसको पकड़ के रखिए थोड़ी देर, नहीं तो इसके ऊपर कोई बारीक धागा बांध दीजिए, बाद में इसको खोल दीजिए। तो इस तरीके से इसको आपको सेट करके थोड़ी देर रखना है, उसके बाद ही सूख के अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो ये देखिए हमने बुकरम की चारों तरफ ऐसे अपनी जरकन को चिपका दिया, लेस को चिपका दिया है, उसके बीच में आप रेड कलर का देख रहे होंगे धागा में लगा दिया है, जिससे कि ये खुले नहीं। अगर आप गन ग्लू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका तुरंत चिपक जाएगा, लेकिन हम ये फैब्रिक ग्लू इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको बुकरम के ऊपर इस तरीके से चिपका दिया है। बाद में इस धागे को चाहे निकालना चाहे निकाल सकते हो, नहीं तो ये देखिए बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता, जो भी हमारा एक्स्ट्रा उसको हम काट देंगे और बाद में देखेंगे। तो ये हम सूखने के लिए रख देते हैं इस तरीके से। इसके कुंडल अगर आप 0 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से सिर्फ आप इसकी जो है यहाँ से ऐसे दो दो पीसेस काट दीजिए, और जो एक गम आती है जो आपने अगर कान्हा जी को कभी भी टॉप्स बनाते चिपकाने वाले, उसके द्वारा आप इनको कानों के पास में छोटे छोटे चिपका सकते हो। अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए ज्वेलरी बना रहे हो तो आपकी और ज़्यादा आसान है, वाले कुंडल बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप चार लाइन, ये देखिए 1 2 3 4 पीसेस ऐसे काट लीजिए, जितने भी बड़े कान्हा जी के लिए आपको बनाने हैं। और ये देखिए सेंटर में से हम इस तरीके से, आप उल्टी साइड से देखिए, यहाँ से भी आप काट सकते हैं, या फिर इन दोनों को लड़ियों को सिर्फ दो दो पीसेज में ऐसे काट रही हूँ। देखिए तो ये देखिए छोटे छोटे हमारे इस तरीके से लटकन बनके तैयार हो गए हैं। इसको और ज़्यादा लंबा रखना चाहते हैं तो आप और भी ज़्यादा लंबा रख सकते हैं। तो देखिए छोटे छोटे टॉप्स बन के तैयार हो गए। गम लगाकर इस तरीके से कान्हा जी को लंबे टॉप्स जो है पहना सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से अलग अलग हो गए हैं यहाँ से, देखिए। तो आप इस तरीके से कान्हा जी के टॉप्स लंबे बना सकते हो या छोटे, आपके ऊपर है। तो टॉप्स बनाना तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको वो जो गम है जो आप कहीं से भी कान्हा जी के वस्त्र लेते हैं, मुकुट लेते हैं, तो उनसे आप बोलेंगे तो आपको डिब्बी में आती है, उसी से कान्हा जी का श्रृंगार होता है, तिलक चिपकाया जाता है, तो आप वो लेके उससे आप कान्हा जी के कानों में कुंडल चिपका सकते हो। हार बनाना भी बहुत आसान है, आप इस तरीके से देखिए कितना सॉफ्ट होता है ये। और ये देखिए यहाँ पर हल्का सा प्लास्टिक टाइप का कुछ लगा हुआ है, तो इससे कान्हा जी को गर्मी में ये आराम से, यानी कि चुभेगा भी नहीं, बहुत सॉफ्ट होता है, यानी कि इसमें कोई हमारा बुकरम वगैरह कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत नरम होता है। इसको आप इस तरीके से यहाँ से जितना भी आपको कान्हा जी का गले में नेकलेस चाहिए उस हिसाब से ऐसे लंबाई लेके यहाँ से कट कर लीजिए। इसी तरीके से गोल पहना लीजिए। अपने आप में जरकन वाली लेस इतनी अच्छी है कि आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, इसीलिए मैंने इसका सिर्फ एक आइडिया आपको दे रही हूँ। और यहाँ से हम इस तरीके से, जैसे हमने धागे से किसी भी ऐसे अच्छे गोल्डन धागे से, आप इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा लपेट लीजिए, या इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखकर इस तरीके से आप देखिए, तो यहाँ से ऐसे आएगा और गले में इस तरीके से आएगा नेकलेस, बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको या चिपका देंगे, अगर ये चिपकता नहीं है तो हम इसको किसी बारीक धागे से, क्योंकि इसमें बिल्कुल धागा जो है नज़र नहीं आता, इस तरीके से इसको लपेट देंगे। कलर का धागा लगाया जिससे कि आपको अलग से नज़र आ जाए कैसे मैंने इसको लपेटा है। अगर आप इस पर गोल्डन कलर का धागा लगाएंगे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ हमने एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से लपेटा है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है और यहाँ से कान्हा जी को इस तरीके से डालना है गले में। तो ये आप लेंथ उसी हिसाब से रख लीजिए, और बाकी हम बीच में यहाँ से भी, जैसे हमने टॉप्स काटे क्योंकि हम मैचिंग बना रहे हैं, यहाँ से भी हम इस तरीके से इनको काट देंगे। ये देखिए, जिससे कि यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए ऐसे हमने काट दिए, तो ये एकदम फैल जाएंगे थोड़ी देर में। अभी ये देखिए इस तरीके से अलग अलग लड़ियाँ चार दिखाई दे रही होंगी आपको, और यहाँ पर जो है ये धागा भी आपका नज़र नहीं आएगा, जैसे मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है रेड धागा लगाया है। इसमें लगाना है तो इस तरीके से आप रेड, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे, ये देखिए, तो ये गन्स ग्लू से चिपकेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फैब्रिक ग्लू से नहीं चिपकेगा। तो इस तरीके से आप कोई स्टोन वगैरह यहाँ लगा सकते हो। हमारी ज्वेलरी कितनी प्यारी लग रही है, हमने ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं किया, ये बहुत आसानी से बना सकते हो आप, और यहाँ पर भी स्टोन लगा सकते हो आप, जैसे आपके कान्हा जी का साइज है आप उसी हिसाब से इसको बनाइए। कान्हा जी की तगड़ी, जैसे हम ड्रेस बनाएंगे तो उसके ऊपर बीच में बेल्ट के तरीके से हमें बांधना है, तो इस तरीके से देखिए बारीक घोटा लिया, इसके ऊपर इसको लेस को ऐसे चिपका देना है, और पीछे से थोड़ा थोड़ा घोटा हमें छोड़ देना है, जो कि पीछे से जब इस तरीके से जाएगा
तो कान्हा जी की बैग में बंध जाए। तो इस तरीके से आप कमर के हिसाब से भी अपनी बेल्ट निकाल लीजिए और ऐसे घोटे पे चिपका कर आप तगड़ी के रूप में कान्हा जी को पहना सकते हैं। कान्हा जी का मुकुट, मुकुट के लिए आप इस तरीके से बुकरम ले लीजिए और जितने आपके कान्हा जी का सामने का फेस का ऐसे गोलाई नाप लीजिए और उसी हिसाब से एक पीस आप काट लीजिए, तो जिससे हमारा मैचिंग जो मुकुट भी बन जाए। हमारे जैसे हमने लंबाई ले ली अपने कान्हा जी की, तो ऐसे हम तिरछा इसको काट लेंगे जैसे मुकुट का वो साइज होता है इस तरीके से। अभी हम ये सिंपल ही बना रहे हैं, देखिए तो इस तरीके से ऐसे मुकुट हमारा पीछे की तरफ बंधेगा। तो यहाँ पर हम जो अपनी जरकन चिपकाएंगे, पहले तो शुरू में दो की हम ऐसे लड़ी ही लगा देंगे, ये ऐसे चिपका देंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम कम करते हुए इसे ऊपर नीचे लगाते जाएंगे, यानी कि जैसे हमारी लड़ी है इससे छोटी फिर छोटी फिर छोटी, जिससे कि हमारा इस तरीके से पूरा भर जाए। इसी तरीके से अपने जो भी पीसेस थे बचे हुए हमारे ऊपर तक हमने लगा दिए हैं। अब ये जो बुकरम हमारी जब ये सूख जाएगा, हम तो इसको जो है एक एक करके इस तरीके से जो है कटिंग करके इसको शेप देंगे। फिलहाल हमने इसको सूखने के लिए रख दिया ऐसे चिपका के, देखिए बिल्कुल बुकरम के ऊपर तरीके से इसको कटिंग कर दिया, सिर्फ हमारी दो लेस है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा मुकुट नहीं बनाना है। और इसको ऊपर देखिए, यहाँ पर हमने हल्का सा ग्लू लगा दिया है, देखिए जरकन के ऊपर ही लगा दिया हमने, और इसके ऊपर अपना हम एक रेड कलर का स्टोन रख देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे सूखने के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा, तो इसको हम सूखने के लिए रख देते हैं। क्योंकि देखिए हमने सिर्फ लेस का एक आइडिया बता रहे हैं कि लेस से हम ज्वेलरी कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ज्वेलरी पूरी मैचिंग बनानी है और आपको नाप की नहीं मिल रही है, तो एक बहुत ही आसान तरीका है, इसके पीछे भी हम गोटा या कुछ ऐसी चीज़ लगा देंगे जिससे आप कान्हा जी को पीछे से इस तरीके से, ये कोई कुछ भी आपको या फिर वही गम से आप इस कान्हा जी को इस तरीके से जो है आपका ये जो लेस है ये इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, यानी कि आप आसानी से अपने कान्हा जी के सर पे इसको इस तरीके से देखिए घुमा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है। कान्हा जी के कंगन भी बिल्कुल सूख गए, देखिए हमने रेड कलर का बीच में धागा, जैसे मैंने बताया आप गोल्डन धागा लगाएंगे तो आपको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस तरीके से देखिए कान्हा जी के कंगन भी हमने हाथ में निकाले, कितने अच्छे से सूख गए हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे कान्हा जी के कंगन बनके तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरीके से देखिए हमने कितने अच्छे से सेट बना लिया कान्हा जी का, और एक ही लेस से बनाया है। तो जैसे आजकल मैंने लेस से आपको ड्रेस बनाना सिखाया, ऐसे ही मैंने सोचा क्यों ना ज्वेलरी बनाई जाए जो आसानी से बन जाए। तो देखिए हमने कान्हा जी का मुकुट बनाया, हार बनाया, कुंडल बनाए, कड़े बनाए, और ये कमर की अपनी बेल्ट कान्हा जी की बनाई है, जो देखिए पीछे से अभी ये घोटा लगा दिया हमने, ये देखिए, जिससे कि आप आसानी से इसको बांध सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी कान्हा जी के लिए अच्छे से ज्वेलरी बनाइए। कान्हा जी की इस तरह की ज्वेलरी किसी भी प्लेन ड्रेस, साटन की बिल्कुल सिंपल जिसपे कोई जरी घोटा ना हो, ऐसी ड्रेस के ऊपर आप पहनाएंगे तो देखिए हैवी से हैवी जो ड्रेस होती है वो भी फीकी पड़ जाएगी। अगर आप इस तरीके की ज्वेलरी जैसे डार्क कलर की ड्रेस के साथ आप ऐसी जरकन वाली ज्वेलरी पहनाएंगे तो कान्हा जी देखिए कितने सुंदर लगते हैं। उम्मीद है आपको ये ज्वेलरी पसंद आई होगी, एक सिर्फ आइडिया, आप अच्छे से अच्छी बनाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।